रूसी एयर स्ट्राइक को लगातार नाकाम कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन लगातार जंग में बना हुआ है। कीव में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाला हुआ है। रूस के कई हवाई हमले आसमान में ही नाकाम हुए हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। रूसी सेना के लिए चैलेंज बना हुआ है यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम। अब तक उसको निष्क्रिय नहीं कर पाया है रूस, और इसकी वजह से उसे पूरी चुनौती मिल रही है यूक्रेन के आसमान में। यूक्रेन की राजधानी कीव में पहले रूसी हमले के खतरे का सायरन बजा, फिर आसमान से बरसती आग जंग की तबाही वाली तस्वीरें दिखाने लगी। ये तस्वीरें देखिए, पहले एक तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं, हमले की रफ्तार सुस्त पड़ती इससे पहले ही दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। ये वो सेंट्रल कीव है जो चारों तरफ से रूस की सेना से घिर चुका है। इस इलाके पर कब्जे के लिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो यूक्रेन की फौज भी हर मुमकिन तरीके से उसका मुकाबला कर रही है। अब आपको रूसी हमले की यूक्रेनी कार्ड की एक और तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने हवाई हमला किया तो एयर डिफेंस सिस्टम से लैस यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाल लिया। एक के बाद एक मिसाइलें दागे जाने लगी। यूक्रेन का जवाबी एक्शन रूस की फौज को कीव पर कब्जा करने से कब तक रोक पाता है, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि 5 दिन से चल रही इस लड़ाई में यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि जंगी ताकत में वो भले ही रूस से कम हो, लेकिन हौसले के मामले में बहुत आगे है। और इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से आ रही है। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, पुतिन ने मेरी हत्या का ऑर्डर दे दिया है, कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। लगातार ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कैसे वो टारगेट नंबर वन है, और अब उन्होंने बताया कि उनकी हत्या का ऑर्डर दे दिया गया है। मुझे मारने के लिए रूस ने 400 आतंकी कीव में भेजे हैं, यानी कीव में, राजधानी यूक्रेन में इस वक्त 400 आतंकी मौजूद हैं। ये दावा है ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्रपति का, उन्हें मारने के लिए ये ऑर्डर पुतिन ने दिया है। और लड़ाके इस वक्त पुतिन के मौजूद हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की को खत्म करने के लिए। क्या क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे हैं? क्या यूक्रेन से युद्ध में रूस ने सुपारी किलर्स की एंट्री करवा दी है? ये सारे सवाल उठे हैं ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट से, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भाड़े के 400 से ज्यादा लड़ाके कीव में दाखिल करवा दिए हैं। कीव में रूसी फौज की राह आसान हो सके, इसके लिए इन्हें 23 लोगों की हत्या की सुपारिश सौंपी गई है, जिनमें ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। द टाइम्स का दावा है कि क्रेमलिन के इशारे पर 5 हफ्ते पहले अफ्रीका से यूक्रेन भेजे गए ये किलर्स वैगनर ग्रुप के मेंबर हैं। बताया जाता है कि वैगनर ग्रुप की कमान येवगेनी प्रिगोजिन संभाल रहा है। द टाइम्स के दावे पर यकीन करें तो प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी रिश्ते हैं। ब्रिटिश अखबार के इन दावों में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये रूस के रक्त चरित्र का ऐसा प्रमाण होगा जिसकी मिसाल ढूंढी नहीं मिलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।